नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है जीवन के मूल्यवान क्षणों का सदव्यय। अंतिम बार त्रोणित विचार क्षणिक उत्तेजना आवेश हमारे जीवनी शक्ति के अपव्यय के अनेक रूप है। जिस प्रकार काले धुएं से मकान काला पड़ जाता है, उसी प्रकार स्वार्थ हिंसा ईर्ष्या द्वेष मद मत्स्य के कुत्सित विचारों से मनोमंदिर काला पड़ जाता है। हमें चाहिए कि इन घातक मनोविकारों से अपने को सदा सुरक्षित रखे, गंदे ओछे विचार रखने वाले व्यक्ति से बचते रहे, वासना को उत्तेजित करने वाले स्थानों पर कदापि न जाए, गंदा साहित्य कदापि न पढ़े, अभय पदार्थों का उपयोग सर्वथा त्याग दे, शांत चिंत से बैठकर ब्रह्म चिंतन प्रार्थना पूजा इत्यादि नियम पूर्वक किया करे, आत्मा के गुणों का विकास करे, सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति में प्रेम ईमानदारी सत्यता दया श्रद्धा भक्ति और उत्साह आदि स्थायी रूप से होना चाहिए। दीर्घकालीन अभ्यास तथा सतत शुभ चिंतन एवं सत्संग से इन दिव्य गुणों की अभिवृद्धि होती है। अपने जीवन का सदुपयोग कीजिए, स्वयं विकसित होइए तथा दूसरों को अपनी सेवा प्रेम नाम से आत्मपथ पर अग्रसर कीजिए। दूसरों को देने से आपके ज्ञान की संचित पूंजी में अभिवृद्धि होती है। हमारा जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति या मुक्ति है। परमेश्वर बीज रूप से हमारा अंतर आत्मा में स्थिर है। हृदय को राग द्वेष आदि मानसिक शत्रु सांसारिक प्रचंड व्यर्थ के वितंडावाद उद्वेग कारक बातों से बचाकर ईश्वर चिंतन में लगाना चाहिए। दैनिक जीवन का उत्तरदायित्व पूर्ण करने के उपरांत भी हमने से प्राय सभी ईश्वर को प्राप्त कर ब्रह्मानंद लूट सकते हैं। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनुष्य च मनुष्याणाम यत्सत्य अमानुत्रेनेह मत्यना प्रोन्ति मानवृत्तम। मानव की कुशलता बुद्धिमता सांसारिक क्षणिक नश्वर भोगों के एकत्रित करने में न होकर अविनाशी और अमृत स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति में है। सब और से समय बचाए, व्यर्थ के कार्यों में जीवन कैसे अमूल्य निधि को नष्ट न कीजिए, वरन उच्च चिंतन मनन इस पूजन में लगाइए, सदैव परोपकार में निरंतर रखिए। दूसरों की सेवा सहायता एवं उपकार से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अखंड ज्योति फरवरी 1957 पृष्ठ 6। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।